छतरपुर शहर में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश अनुसार सबसे पहला स्वास्थ्य शिविर केंद्रीय विद्यालय में पिछले 25 जुलाई को लगाया गया था। टीकाकरण अधिकारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज प्रजापति ने बताया कि 10 से 18 की छात्राओं का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है और इस काम में 6 से 7 लोगों की टीम लगाई गई है। MLB स्कूल में 200 से अधिक बच्चियों का चेकअप किया गया, जिसमें हेल्थ चेकअप टीम ने नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ के अलावा स्टाफ नर्स को भी लगाया गया है। विराट 24 न्यूज छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। हाँ बोले, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार प्रजापति, जिला टीकाकरण अधिकारी एवं शिशु रोग चिकित्सक हूँ। मैं अभी यहाँ पर जो है बच्चियों का एडोलोसेंट, जो हमारी गर्ल्स होती हैं, जो 10 साल से 18 साल की बच्चियाँ होती हैं, उसका हम आज चेकअप करने के लिए स्पेशली आए हुए हैं, जिसमें हम उसका चाहे पूरा हेल्थ प्रोफाइल चेकअप कर रहे हैं, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो, चाहे उसको हीमोग्लोबिन लेवल कम हो। उसका चेकअप करने के बाद में हम उसमें उसको देखेंगे कि उसमें किन किन बच्चियों का, मतलब सैंपल साइज कलेक्ट करके हम उसमें देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, मतलब कितनी बच्चियों का हीमोग्लोबिन हमें कम मिला है। उसके बेस पे फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, जिससे कि आगे जो आने वाली, जैसे आज एडोलोसेंट गर्ल्स हैं, कल जाके वो मैटरनल, मतलब 18 साल से ऊपर जब उनकी शादी होगी या मदर माँ बनेंगी, तो उनको बहुत सारी समस्याएँ होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की वजह से मैटरनल डेथ होती है। और हमारे बच्चे जो चाइल्ड मॉर्टली, जो बच्चा पैदा होता है, उसको भी समस्याएं रहती है, कम वजन का पैदा होता है हीमोग्लोबिन कम होने से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि इससे जाके यदि आगे बच्चियों का यदि फ़ायदा मिलता है तो हम उस पर काम करेंगे। अभी तक यदि देखा जाए तो ये कैंप जो हमारा स्टार्ट हुआ था, पहले केंद्रीय विद्यालय में हम 25 तारीख से स्टार्ट किया था, तो केंद्रीय विद्यालय में हमने करीब 300 से 400 बच्चों का सैंपल साइज किया था। आज हम यहाँ गर्ल्स कॉलेज MLB स्कूल, सरकारी स्कूल में है, जो कि हमें यहाँ पे सैंपल साइज करीब हमने अभी 200 बच्चों का हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं। और आगे भी हम ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लॉक वाइज अलग अलग ब्लॉक में, जो हमारे 8 ब्लॉक्स हैं, उनमें सभी जगह स्कूल्स में हम कैंप लगा करके उसमें सैंपल साइज कलेक्ट करेंगे बच्चों। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, यदि हमारा देखा जाए तो अभी तक जो समझ में आ रहा है कि जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनका हीमोग्लोबिन जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही, 10 साल यदि 8वीं क्लास में है तो उसका ठीक है, लेकिन 9वीं में बढ़ रही है, 10वीं में बढ़ रही है, तो खून ब्लड कम होता जा चला है। तो उस पर टीम में हमारे साथ में यदि देखा जाए तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहेंगे, उसके साथ साथ में हमारे साथ में ये जो कलेक्ट्रेट की टीम है, और इसके अलावा नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, और स्टाफ हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है, ये सभी मदद कर रहे हैं। ये करीब 5 से 6 लोगों की टीम रहती है, जिसमें इसमें स्पेशली हेल्प जो हमें मिल रही है वो कलेक्ट्रेट की तरफ से, हमारे साथ में नीति आयोग के कुछ लोग आ रहे हैं, जिसमें स्मृति गुप्ता स्पेशली हैं, और दूसरा क्या नाम उनका, सोहिनी, वो भी मदद करती है हमारे साथ।